जी हाँ जी हाँ ओ सबा कमर जमान इज ऑनलाइन वेटिंग फॉर सबा कमर टू कम ऑनलाइन। ओ माय गॉड लुक हू इज हियर सबा कमर हाय। सुबह वैसे तो मिलना नहीं है मेरे ख्याल में, नाम नहीं मिलेंगे। हाय क्या हाल है, क्या क्यों नहीं, क्यों करते हैं आप, क्यों करते हैं आप हाँ बॉलीवुड में जाके काम, क्यों करते हैं आप ये बॉलीवुड में बात है। तो भाई मैंने से कहा था कि कहते हैं हमारे उनके एक्टर्स भी हमारे यहाँ के काम करते थे। ओम पुरी आए, नसीरुद्दीन शाह आए, किरण खेर आई, नंदिता दास आई। की कोई बाउंड्रीज थोड़ी होती है दैट बाउंड्रीज नहीं है। इज उन्होंने कहा सलमान खान नहीं आए थे, तो मैंने कहा सलमान उस वक्त हमारे यहाँ फिल्म अगर अच्छी बनती तो सलमान खान भी आ जाते, और शायद बड़े दूसरी एक्टर्स बात, भी। दूसरी बात इमरान, हम अगर इस तरह से देखें कि हम में कुछ ऐसा है तो उन लोगों ने, बिल्कुल देखो वी आर टैलेंटेड पीपल, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। बिल्कुल। और मैं जिस तरह आपकी फिल्म ने देखिए आप क्यों कर रहा हूँ सब बात में, तुम्हारी फिल्म हाँ ने सर, तुम क्यों नहीं कह रहे माशाल्लाह मुझे 200 करोड़ का बिजनेस किया, तो ये क्या कोई मजाक नहीं था। एंड यू वर्क ऑपोजिट इरफान खान इज वन ऑफ द बिगेस्ट कर रहे हैं, एक्टर्स तो, और इज अ 200 बिग करोड़ की एक्टर। बिजनेस करना कोई मजाक बात नहीं थी। तो ये सब लोगों का एहसास होना चाहिए कि हमारे अच्छे एक्टर्स ही वहां बुलाए गए। और देखो हिट और फ्लॉप का जो एक वो होता है वो किसी किसी को नहीं पता होता कि क्या फिल्म हिट हो जाए। वहां की बड़े बड़े एक्टर सुपर स्टार्स की फिल्म उसके बाद नहीं चल पाती। अगर मुझे मुझे पता है कि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी उसके बाद फिल्म ऑफर्स थी, अगर वो चलती रहता है सारा के साथ होता तो तुम इस वक्त और बड़े काम कर रही होते। बट इट्स ओके वंडरफुल। वंडरफुल। घर पे आइसोलेट होके बैठी हुई हो तो अपनी तुम्हारी कैसे बिल्ली कैसी है, तो बताओ वो कहाँ चली गई। बिल्ली यार। हाँ सो बेसिकली मैं पिछले दिनों बहुत काम कर रही थी, गमली की शूट पे थी, सो आई वाज आउट फॉर अ मंथ। तो उस एक महीने में माय फैमिली वाज लाइक के तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं हूं तो कोई तो संभालेगा ना उनको। तो यू नो माय मदर, नमाज और ये सब तो उनको होता है कि अच्छा, एक तो कुत्ते बिल्लियां रखे हुए जायज नहीं होते, ऑफ कोर्स मदर की ये तरफ। मेरे घर वालों को भी था, जब जैसे ही मैं कहीं बाहर जाता था तो मेरी बिल्ली पता नहीं कहाँ वो भेज देते थे, क्योंकि उनसे नहीं संभाली जाती थी। और उनका कहना था कि बिल्ली जो है वो तुम ही संभाल सकते हो। तो हाँ फाइनली फिर हमारी और बिल्लियां हमारे आई आई पीछे, नो दैट कि कितना हमारा डीप कनेक्शन हो जाता है उनके साथ, मतलब हमारी तो लिटरली अलग अलग ही इतना में प्यार हो जाता है ना। हम तो आई बिल्कुल, स्टिल मैं तुम्हें मिस देम। याद है मैं एक फिल्म कर रहा था जिसकी रिहर्सल थी अक्षय अक्षय कुमार के साथ, तो मेरी बिल्ली यहाँ मर गई। और आप यकीन करें कि मैं वो बिल्ली उस बिल्ली की खातिर मैं अपनी रिहर्सल्स अपना सब कुछ छोड़ के मैं फ्लाइट पकड़ के रोता हुआ आ गया था। अब मैं सोचता हूँ कुछ ज्यादा ही मैंने शायद ड्रामा किया था, लेकिन उस वक्त वाकई में कंट्रोल नहीं मैं कुछ ज्यादा ही नहीं मुझे होता पता है, पेट्स के साथ आपका कनेक्शन ऐसा होता है जैसे बच्चों। जैसे आपके माँ बच्चे होते हैं, बाप जैसे बेटे आपके बच्चे होते बाप हैं, दे लाइक किड्स। बेटे या मेरे मेरे लिए तो मुझे था कि जैसे ये मेरे बच्चे हैं, शायद लोगों हाँ को ये अजीब बात लगेगी बट आई नो, बड़ा डीप कनेक्शन हो जाता है आपका, आप नहीं रह सकते। तो और अम्मी जैसे अभी सबा कमर की अम्मी जो है ना वो सबा से ज्यादा मेरी अच्छी दोस्त है, हमसे बहुत प्यार करती हैं। और जो हमारी मुलाकात कम होती है लेकिन मैं उनको दुआओं में बहुत याद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो भी अपनी दुआओं में याद रखती होंगी वो मुझे। बहुत प्यार करती हैं, वो कहती है इंडस्ट्री का एक ही लड़का बड़ा खूबसूरत है, मैं जी बाकी आपको नजर नहीं आते, नहीं जो इमरान प्यारा है ना, जो इमरान है ना, यू नो एक पंजाबी माए जैसी होती है, नहीं नहीं सोना मुंडा है, मैं कहा जी। तो या शी लाइक्स यू, बस शी इज सबा फाइन इस्लामाबाद मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें जरूर घर आना है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर जा चुका हूँ, बट यू हैवंट बीन टू माय प्लेस एज ऑफ येट, तो मुझे इंतजार यू है कि हैव अ तुम वंडरफुल आओ। हाउस, मैं देख रही हूँ आपकी स्टोरीज में और चीजों में, जब आप हैंड वॉश की बता रहे थे प्रैक्टिस, मैंने आई सीन योर वीडियोस, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, एक थैंक यू सो आर्किटेक्ट मच। होना चाहती थी यार, लोग भूल जाते हैं कि मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ, तो बस वो आर्किटेक्चर का मुझे कुछ रहता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड करते रहना छोटी छोटी चीजों के अंदर। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, छोटा सा ही घर है लेकिन ये जो टेस्ट होता है ना ये आपका पैसे से उससे नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नहीं, आप। इट्स इन यू एक्चुअली, दिस इज यू, सो आपको दिखाता है आपका घर और आपका लाइफ स्टाइल के इंसान कैसा है उसका, तो या रिफ्लेक्शन है इसकी। सब अबाउट कीपिंग यू बिजी नाउडेज, क्या कर रही हो आजकल?
What I'm doing, फिल्म चल रही है वो मुझे पता है, watching लेकिन Netflix. I've almost finished all the season on Netflix. You can ask anything. सारी मूवीज, सारे ड्रामे, सारे सीजन देख लिए हैं. प्लस मैं आजकल क्या कर रही हूँ, आई हायर्ड अ टीचर फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस. वन टीचर, कौन सी फ्रेंच या स्पैनिश या इटालियन? बेसिकली अमेरिकन एक्सेंट. Wait, what? So yeah, this is what I'm learning nowadays. So yeah, अब टाइम था, मैंने कहा तो why not groom यार yourself. अच्छा टाइम है सब, ये मुझे लगता है कि ये वक्त इतनी मुश्किल से हम लोगों को मिला है, जब सब चीजें स्लो डाउन हुई हैं, जब But हमने seriously, अपने people like us, कितना हम काम करते हैं, actually workaholic. तो वो हम हमारे लिए तो बड़ा, वो एक कोरोना वेकेशन में कह रहे हो, तो कोरोना वेकेशन जब मिली गई है तो जस्ट हैव फन. मैं बड़ा मजा कर, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी आसमान का मैंने कलर इतना साफ देखा हो, इतने वो परिंदों की एक्चुअली चहचहाट। दिस इज माय सिस्टर वाज टेलिंग मी कि सबा आज मैं बाहर निकली हूँ, द स्काई वाज क्लीन. कर रही थी, हाँ कहती है क्लीन है यार, बिल्कुल साफ है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, लोग बाहर नहीं जा रहे, गाड़ियां नहीं है, तो सुकून आया हर चीज को. एक एक यू नो लाइक एवरीथिंग इज टोटली। वेरी अच्छा, काम. हमारी हम लोगों को अजीब सा मसला है कि जब हमारी छुट्टियां नहीं होती, जब हम मंडे को जा रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं कि यार फिर मंडे आ गया। अब जब आपको फॉर्चुनेटली छुट्टियां मिली हैं, आपके पास इतना अच्छा टाइम है कि अपने माँ बाप के साथ बात करें, अपने अंदर झांकें, अपने आप से बात करें, रुक के जरा सोचें कि आप कहाँ से चले थे, कहाँ कहाँ आ गए, क्या क्या बड़ा लाने बात दिया। यह है, इंसान इंसान एक ऐसी चीज है कि किसी हाल में खुश नहीं है. इंसान किसी हाल में, अगर आपको बहुत मिल गया है तो भी आपको अजीब सी एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ रहती है कि अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट. इफ यू हैव दिस, यहाँ भी आप खुश नहीं हो, आपको कुछ और चाहिए. बस इसको चाहिए, इंसान को बताना हमेशा चाहिए. मतीरा याद आ गई है ऐसे। हाँ जी, और हाँ. तो ये जो इंसान की तबीयत में चीजें ना, जब मिल गया है तो बस वो नहीं चाहिए. इसको वो चीज अच्छी लगती है जो इसको नहीं मिल रही होती, वो एक तुमने सुना अट्रैक्शन रह है, जाती है ना, जहाँ इनकम्प्लीट चीजों अब की. किसे चाहे किसे ढूंढा करें, अब किसे वाह, चाहे किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। जो ओ माय गॉड, एग्जैक्टली, दैट्स मिल ह्यूमन जाता है ना, नेचर एक्चुअली. तो इसलिए हमेशा मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी खलीश ख्वाहिश रहनी चाहिए, वरना फिर आपको जब चीज मिल जाती है ना, तो इसीलिए किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। सबा मैं कहता हूँ हाउ यू शादी गेट नहीं बोर्ड, करनी सो बेसिकली यू चाहिए। तो मेरी कब शादी हुई है, आई एम सिंगल 100% एंड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. ये हाई फाइव. तो बात ये है कि 100% जब भी आपको मिलता है ना, तो वो चार्म खत्म हो जाता है. तो चीजों का, रिश्तों का अधूरापन लाइफ में, इट्स ब्यूटी, इट इज अ ब्यूटी. कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई है ना, तो अब मेरा दिल चाहता है कि वो रह जाए, क्योंकि कुछ ख्वाहिशें किसी की जो पूरी हुई, उनके पूरे होने के बाद हुआ कि अच्छा ये था, ये तो कुछ कुछ एक्साइटिंग नहीं था, दैट वाज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. और मैं सोच रही थी ओ माय गॉड, मैं ये करूंगी तो यूं मजा आएगा, तो मैंने ऐसा नहीं होता. तुमने एक हमने जूस का एक स्टिल साथ किए थे बहुत दैट पहले, वाज द फुल फर्स्ट सीरीज, प्योर था, दैट वाज ऑल माय फर्स्ट प्योर। एक्चुअली बहुत शूट ऑन यू नो कमर्शियल शूट. या पुरानी बात है, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, टीनेजर्स थे इन प्रॉब्लम, 2004, या टीन और थे हमने हम लोग. सोचा भी नहीं था कि कभी हम बॉलीवुड कर रहे होंगे, और टीवी, और फिर उसके बाद टीवी के बाद बॉलीवुड, और फिर तुम मतलब यू वेंट प्लेसेस, माशाल्लाह तुमने इतना अचीव किया, मैं कहाँ से कहाँ। तो और उस आपने वक्त कितना अचीव किया, यू हैव डन अ और ग्रेट कभी जॉब मैन, सीरियसली द उनकी वर्क कभी यू डन ख्वाहिश नहीं थी। थैंक ल्यूट मैन, हैट्स ऑफ टू यू. यू, नहीं, भगवान आपको लेकिन सर्व करते हैं. थैंक यू सबा, लेकिन कभी हमने कभी मेरा नहीं ख्याल हमने इतना कभी इतना सोचा भी था जितना हमें अल्लाह ने दिया, नहीं? ऑब्वियसली कभी नहीं सोचा. इवन आज भी मैं जब भी सुबह उठती हूँ, इमरान में अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, जब अपने घर को, अपने आप को, अपनी चीजों को, उसकी ब्लेसिंग को देखती हूँ, और मेरी एक एक सांस के साथ शुक्र उसके लिए निकलता है कि अल्लाह मेरे से कितने बेहतर लोग हैं जो ये चीजें डिजर्व करते हैं, बट तूने मुझे इसके लिए चुना. तो वी शुड बी थैंकफुल यार, एंड आई एम ग्रेटफुल वट एवर आई हैव टुडे. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक मैं मुझे डिजर्व नहीं मुझे करती. मैं तुमसे मिलता हूँ कि हम एक ही अक्सर होटल में ठहर रहे होते हैं,
अक्सर कभी अक्सर मुलाकात हमारे हो यहाँ जाती है, क्रिसमस भी हम लोग एक साथ कभी काम करते हैं एक जगह पे। तो जब भी सभा को देखा है, सभा हमेशा सभा को मस्त देखा है, सभा कभी भी किसी भी उसमें सभा खुश रहती है और कहती है अल्लाह और देगा, अल्लाह और देगा, ये मेरी लाइन। एक्चुअली आई लिव इन द मोमेंट, या और शायद बात यही तो वजह यही है कि तुम कभी चीजों के पीछे भागी नहीं, तो अल्लाह ने तुम्हें नहीं। इतना नवाजा। देखो मुझे याद है हमने एक ईमान साथ पर मजे की बात है, दोस्ती की आज थी, याद है? अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, कितना आपको चाहिए होता है? अगर हमारे पास नीचे चार गाड़ियां खड़ी है, बैठना तो आपने एक में ही है ना, मेरी गाड़ी चलाने का भी वक्त नहीं मिलता, तो ट्रू। फिर क्या फायदा इतने पैसे, इतनी लग्जरी लाइफ और इतनी चीजों का, जब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जितना आपको चाहिए होता है ना उससे, इतना ही इतने में तो उससे खुश रहना चाहिए। कुछ और सक्सेस स्टोर की स्टोर पे और भी खर्च रियल करना। डेफिनेशन मैंने सभा मैंने जो अब अपनी इस उम्र में आके जो एक्सट्रैक्ट किया है वो ये है कि वो लोग कामयाबी स्टेट ऑफ माइंड है, और ये सिर्फ आपको जो आपके पास है अगर आपको उस पर कनात और शुक्र करने को और आपको कहें कि यार ये सब कुछ है, तो आई थिंक दिस इज योर सक्सेस। और जरूरी नहीं है कि सक्सेस वही हो जिसके पास फरारीज और BMWs और मर्सिडीज हो, आई थिंक अगर एक राइट, सेंटिव है और एंड अगर द वो पर्सन इज नॉट हैप्पी, सो क्या फायदा उसको। कामयाबी हाँ, और और आप अच्छा यही दूर नहीं वाला इमरान, दूर नहीं, अब इतनी सी मिसाल है कि इंसान की क्या औकात है। आज हमारे पास सब कुछ है, बट मजाल है कि हम डर के हमारे बाहर नहीं निकल पा रहे। कैसा तो उसकी जब हिला। पकड़ आती है तो उससे बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए यार। तो अब पूरी दुनिया, मतलब गुरु के पास, आप अगर चलो पाकिस्तान में तो हम चलो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और हमारे पास इतने मिसाइल नहीं है, इतनी यू नो फैसिलिटीज नहीं है, गुरु के पास चार्ल्स, तो है। और बिना, हाँ प्रिंस चार्ल्स को हो गया कोरोना, मतलब उनसे ज्यादा लग्जरी सोचो, लग्जरियस लाइफ और किसकी होगी। कभी सोचा था हाँ उसकी पावर के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। उफ, अब जो लोग तो बात ये जितना करते हैं ना, है मैं कहता असल हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात, और कि इंडिया में क्यों, पाकिस्तान में क्यों, ये डिविजन्स, ये बाउंड्रीज। अब आप यार, सोचो पता नहीं बाउंड्रीज बाउंड्रीज व्हाई करते करते डू वी करते गेट आप इन टू दीज कितना थिंग्स। कितना अलग हो गए, आइसोलेटेड घर में बंद हो गए ना आखिर सारा। वो आप मैं कब तक कह अपने रही आप, हूँ कि ये अलग वो अलग ये अलग वो अलग, इससे नफरत उससे नफरत, कम ऑन यार। ह्यूमैनिटी हाँ आपके भी, आपके व्हाई भी कितने डू वी फ्रेंड्स हेट आपके अदर्स। लाइफ जो जो इंडिया से हम होंगे इतनी जो आपके नफरत, पास। इतना हमारे पास क्यों है भरा हुआ? हम इतनी नफरत करते हैं, हम इतना जज करते हैं दूसरों को क्यों? क्या दुनिया में और वक्त कोई काम करने के लिए नहीं है? सुबह मुझे एक और, बड़ी, माय फादर पास्ट अवे 3 months बैक, एंड उस सॉरी, दिन से आज तक मैं डेली कब्रिस्तान जाता हूँ, कोई दिन नहीं है जो मैं नहीं गया हूँ। मुझे वहां जाके जब भी मैं वहां से वापस आता हूँ या मैं वहां पे होता हूँ, तो मुझे इतना एक रियलिटी चेक मिलता है कि ये है दुनिया, बस इतनी सी देर के बाद इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े लोग, सिर्फ 6 फुट की कब्र पे आप आके जवान, कोई एज मतलब आपको एज की भी श्योर बाउंड्री समझ नहीं, 24 साल, रही कोई हूँ। 23 साल, कोई 21 साल का, कोई 18 साल का, कोई बुजुर्ग, कोई पता नहीं किस चक्कर में अपना वक्त जाया कर रहे हैं और हम किए चले जा रहे हैं। और ये जो वाला जो कोरोना का वक्त आया ना, इसने हमें हमें झंझोड़ दिया ऐसी, कि अब आप प्लीज रियलाइज मतलब करें कि जिंदगी प्रॉब्लम बहुत नहीं अनप्रेडिक्टेबल ना, हमारी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है है। इमरान। हमें बचपन से ही चीजें बताई गई हैं, जैसे लड़कियों को बताया गया अच्छा एक्स वाई जी जो लड़की है, लड़की दोस्त से नहीं बनाती, ये आपके खिलाफ है, इनसे बात नहीं। तो ये जो माइंड मेकअप है ये बचपन से हुआ हुआ है, एंगर अग्रेशन, दूसरों के खिलाफ बात करना, झूठ बोलना, ये हमारे अंदर इतना बैठ चुका है कि हम उससे बाहर, उस बबल से बाहर आ रहे हैं। वो जो नेगेटिविटी का बबल बना हुआ है ना, और हमारे इन बिल्ट है वो, दिस इज यू नो लाइक वी नीड टू वर्क ऑन इट। अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करें, हम देखें कि हम क्या गलत है, कहाँ गलत है, उसको रोज 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 ठीक करेंगे तो इवॉल्व होंगे, वरना तो हम बहुत पीछे हैं। और यही वजह है कि हमारा हमारा कंट्री सबसे ज्यादा पीछे हर किस में, क्योंकि ये नहीं खुल रहा ना, दिमाग नहीं खुल रहा। हम यहाँ अप्रिशिएट नहीं करते, कोई एक अच्छा काम करता है, इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें भी इतनी जेलसी, इतने मसले मसाइल हैं, सब एक दूसरे के काम खींच रहे हैं, सब गलत सोच रहे हैं। कोई अच्छा काम कर लेता है तो उसपे तो ये नहीं करता कि अच्छा यार उसको एक अच्छा मैसेज ड्रॉप करें, उसको एनर्जी दें, उसको पावर दें, उल्टा उसके अंदर से कीड़े निकाले जाते हैं। तो यार उसने क्या किया है, कभी ऐसा भी कोई ये एक्सेप्शनल काम कर ही दिया। कोई भी अच्छी बात करेंगे ना, या कोई अल्लाह की बात करेंगे या रसूल की बात करेंगे, तो सबसे पहले कि वी वोंट मैं डिस्कस तो दिस, या हाँ वो तो हमसे हम तो इस काबिल ही नहीं है ना कि हम ऐसी बात कर सके, हम पे तो पहले ही वो लग जाएगा कि अरे तुम बात कर रहे हो,
मतलब तुम तो टीवी लेकिन पे इससे आते। निकले ना कि हम तो भाई कंजर है, तो व्हाट्स द हाँ डेफिनेशन ऑफ कंजर? हाँ कंजर इज मेकिंग यू हैप्पी, दैट्स अ जॉब, हाँ लाइक सीरियसली, यू शुड बी थैंकफुल. अगर एक इंसान जाहिल है, पागल है, उसके साथ में अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट कर रही हूँ? मुझे वो चीजें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. मेरी पॉजिटिविटी क्यों वो ऐसे सक कर ले, वो ले जाए कि मैं कुछ और करने के काबिल ना रहूं. मैं जिंदगी में, अपनी दुनिया में कुछ और भी अच्छा कर सकती हूँ. So just stay positive, man. Have fun. यही राज है तुम्हारी खूबसूरती का सबाब, यही राज। जी, आई यूज लक्स. क्या आप रुके भी लक्स इस्तेमाल करते हैं, इमरान? ओके यस. किसी ने अभी तक लक्स हाँ का, किसी मेल ने लक्स टीवीसी नहीं किया, बट आई थिंक आपको करना चाहिए. शाहरुख खान ने किया इंडिया में, नहीं, फवाद ने मेरे भी यहाँ दोस्त किया था, ने. फवाद ने भी किया था शायद, फवाद ने किया था। हाँ, अच्छा. नहीं क्या उनको बाथटब में नहाते हुए दिखाया? वो इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया था उनको, इस्तेमाल याद कर रहा था। लेकिन Let's talk सबा about something else. ये बताओ कि लक्स गर्ल बनना सीरियसली पाकिस्तान में तो एन अचीवमेंट, बाबरा शरीफ, Thank you. रानी, ऑल द बिग एक्टर्स, मतलब एक्ट्रेसेस जिन्होंने सबका एक हाईएस्ट वो होता है कि हाँ जी लक्स करेगी लड़की जो है ना, मतलब हमेशा से हम बचपन से देखते आ रहे हैं किस किस को लक्स करेगा। वो Happy being मोमेंट lucky. जब तुम्हें ये कैंपेन ऑफर हुई तो क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, मैं बहुत खुश तो हूँ. थोड़े से पंगे भी लिए थे मुझे याद है बहुत से नहीं लोगों नहीं वो छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं यार, मैं इतना दिल पे नहीं लेती. लेकिन आई एम ग्लैड यार, आई एम थैंकफुल इंडस्ट्री से, मेरे फैंस से, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर लविंग मी एंड गिविंग सो मच लव. सो दैट्स द बेस्ट फीलिंग, जब आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी एक्नॉलेजमेंट, रिकग्निशन और सब कुछ, तो दैट मेक्स यू हैप्पी. एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस आता मुझे याद है जब मैं बॉम्बे में काम कर रहा होता था तो मैं अक्सर तुम्हें कॉल करता था, मैं कहता था फ्लाइंग डायरेक्टर ने तुम्हें ऑफर किया है, फलाने ने ऑफर किया है, ये किया है, वगैरह। है. तो मैं आई कहता नो, था उस वक्त भी तुम्हें इतने सारे लोग अप्रोच कर रहे थे, बट यू आर वेरी पिकी एंड चूजी, मैं कहता था यार। और मैं तुम्हें मशवरा भी देता था, ये मत करना सबा, ये डायरेक्टर इतना अच्छा नहीं है। मैं दूसरों को मशवरे बड़े अच्छे देता मेरे भी आदत हूँ, होती थी खुद कॉल करके पूछना कि यार मैं इसके साथ काम करूं या करूं, मुझे इसकी कॉल आई, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए. इवन हिंदी मीडियम के टाइम पे भी मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी. आई वाज लाइक समबडी इज लाइक यू नो लाइक जस्ट मेकिंग मी फूल कि ओ मैं डॉक्टर से कॉल मैं कहां, मैं यू नो लाइक वो लोग हैं जिन्होंने कॉकटेल लव आजकल ऐसी अच्छी फिल्में बनाई है, और अब तो खैर उनकी एक लिस्ट अच्छी फिल्मों की. तो मैं क्या कोई ऐसे भी ऐसा था मजाक कर रहा है. तो वन डे आई सेड दैट गाय के जिन्होंने कहा कि आप ऑडिशन ऐसे दो वीडियो सीन्स बना के भेजते, मैंने कहा यू नो व्हाट, मैंने आई हैव डन दिस इज दिस, सो यू कैन सी माय स्टफ ऑन यूट्यूब, इफ यू लाइक इट तो जस्ट टेक इट, अदरवाइज मेरा होता है ना कि टेक इट और गिव इट. माँ बहुत बहुत बात चल, माँ जो था तुम्हारा सीरियल वो बहुत हिट हो चुका बात था, ठीक है, जिंदगी जिंदगी चल रहा था उन दिनों ना बहुत इंडिया में. मैंने ही लॉन्च किया था। सो आई स्टिल रिमेम्बर कि माँ वाज वन ऑफ दोस इनिशियल प्लेस जो उसने वहां बहुत बहुत धूम मचाई थी। हाँ, काफी था. तो हुआ ये बड़ा जल्दी हो गया ये सारा हिंदी मीडियम का. मैंने उन्हें कहा कि खैर ऑडिशन नहीं दे सकती, आई डोंट नो, पता नहीं उस वक्त मैं अजीब सी थी, मेरी प्रेज ऑफ माइंड. तो क्या हुआ कि उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दें, दिस एंड द स्क्रिप्ट एंड आई लाइक्ड इट, आई सेड यस टू देम. मैंने कहा ओके लेट्स डू इट देन. या हो गया फिर, बस जो किस्मत में लिखा था हम सबका अच्छा काम. वो मतलब आपको एक वो होता है ना, जब मुझे पता है कि फिल्म जिस दिन रिलीज हो रही होती है उस दिन तो बड़ा दिल बहुत बंद हुआ प्रेशर, होता है, मैं तो फोन ऑफ कर देता था मैं कि पता ही ना चले कि हो क्या रहा है बता। फिर लोगों से रिव्यूज आहिस्ता आहिस्ता अच्छा मेरे मिलने टाइम पे मैंने क्या फोन ऑफ करा था, हमारा तो हमारी तो एंट्री बंद हो गई थी. फोन ऑफ होना तो दूर की बात है, बॉर्डर पे बहुत सारे बसे वसाइल और चाहिए। मेरे साथ उस वक्त हुआ अच्छा. था जब एदिल मुश्किल हुई थी, तो उस वक्त हमारे हालात खराब हो गए थे, तो वहां बड़ा इमरान, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई प्रेफर पीस ओवर वायलेंस. मैं आज भी कभी भी नेगेटिव अपने किसी भी, मतलब किसी भी के लिए, नॉट एग्जैक्टली इंडिया, किसी के लिए भी अपने दिल में कुछ बुरा नहीं सोच सकती. कभी किसी के साथ बुरा होगा मुझे तकलीफ होगी,
यू अंडरस्टैंड, चाहे रेप इंडिया में हो या पाकिस्तान में, आई फील बैड इक्वली. मैं तो जहाँ भी मरता है चाहे किसी भी हालत में किसी ऐसा नहीं. और मुझे इससे कभी सुकून नहीं देती हूँ, कहीं की कोई चीज बुरी होती मुझे बहुत तकलीफ होती है, डिस्टर्ब हो जाती है. मेरे दिल से कभी ही नहीं निकलता कि ओ अच्छा हुआ, ओ इनके साथ ये होना चाहिए. नो आई कांट थिंक ऑफ इट, नो नॉट एट ऑल. वहाँ भी माओ के बेटे हैं यार, यहाँ भी माओ, इंसान सारे एक जैसे किसी भी कोने में, किसी भी कोने में, रिगार्डलेस इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना, किसी भी जगह. हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत सीरियस हो गई इमरान. अच्छा टेल मी वन थिंग, कोरोना के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या आफ्टर कोरोना दैट वेकेशन व्हाट यू आर गोना डू? यार मैं किसी ट्रिप पे जाना चाह रहा हूँ, फॉरेन ट्रिप पे, फॉरेन फॉरेन ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप से निकला है कोरोना. सो मुझे पता ही चलेगा. और मेरा मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन इटली है, और अब इटली में सबसे ज्यादा. ओह माय गॉड, मैं एग्जैक्टली पता क्या कहने लगी थी कि मैंने आधा यूरोप तो घूम लिया था. सो बाकी आधा यूरोप में आता था इटली, ग्रीस, बार्सिलोना और ये वाली जगह आ रही थी. तो मेरा नेक्स्ट ट्रिप वहां था. अब देखो तो अब सबसे ज्यादा आपको पता है कोरोना के पेशेंट जो है वो जो केसेस है वो इटली के. तो अगले 5 साल तक तो मैं इटली नहीं जाने वाली. नहीं नहीं तो बस ये तो जितने भी पेशेंट्स थे वो जिन्होंने जाना था वो तो चले गए यार थोड़े दिनों में, अल्लाह करे खत्म हुआ उसके बाद. नहीं कहो इटली दोबारा जाना है. डोंट गो, डोंट डोंट. आई मीन आई वांट टू गो बट डोंट. नो नो, मैं तो कहती हूँ किसी पाकिस्तान के अंदर जो जगह है ना नहीं देखी अभी तक, वहां चलते हैं. ये बड़ी खूबसूरत मोटरवे बनी है, एबटाबाद की तरफ जा रही है, चाइना के बॉर्डर तक जा रही है, सब ब्यूटीफुल. जैसे खत्म हो तो प्लीज आओ. तो यार आई लव इस्लामाबाद, आई लव मुनाल एंड देयर सम यू नो प्लेस जंगल पॉइंट और पता नहीं क्या क्या, मुझे बहुत पसंद है इस्लामाबाद यार. जैसे ही कोरोना खत्म होता है ना तो तुम आओ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की लाइफ देखते हैं खामोशी. मैं इमरान को कॉल करूं, इमरान अपना फोन बंद कर देगा और इमरान की यार आई एम सॉरी यार आई हैव सम कमिटमेंट. नहीं मतलब पता है मैं अभी कुछ नहीं करूंगा अभी इसके बाद, अभी जो मैंने आगे मेरे खाली 4-5 महीने तक काम नहीं करना स्ट्रिक्टली. मैंने कुछ थोड़ा सा तो मैं पर ही हूँ और नहीं मिलूंगा, घर पे ही मिलूंगा. तो मैं बस अपनी फिल्म फिनिश करके इंशाल्लाह आफ्टर कोरोना सो आई एम गोना फॉर श्योर. घबराना नहीं है, घबराना नहीं है. हाँ द गेस्ट स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, इमरान स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है. आई लव द डायलॉग सिचुएशन. ओ हो हो, लाइक लिटरली 2 घंटे की नरेशन में आई वाज लाफिंग. अच्छा और साफ सुथरा, वेरी गुड बॉय. Approached, I approached Thakir for a film which I was trying to produce. Thakir was a very talented boy. मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा काम. Have you worked with him? I haven't. नहीं, Thakir से मैंने बात की थी. मैं हमारी एक दो meetings हुई थी. मैं Thakir से अपनी produce करना चाहता था. I wanted to find another director. So, he's a very very talented boy. Yeah, I'm sure. नहीं मुझे मुझे अच्छी feeling आ रही है. I'm very excited. I'm looking forward to it. Even company was very different. हसन भाई एक्चुअली सम रोल आई गेस व्हेन दे वर स्टार्टिंग, लेकिन उस वक्त आई वाज डूइंग अनदर प्रोजेक्ट देन आई आल्सो लेफ्ट दैट वन एज वेल. सो वरना इट्स अनफॉर्चूनेट कर लिया यार, इससे बात नहीं हमने ऐसे साथ काम नहीं किया, ये बड़े अफसोस की बात. वी हैवंट वर्क टुगेदर, दैट्स वेरी स्ट्रेंज. मुझे याद है भी मुझे शायद हम ब्लेम गेम खेलते हैं. नो नो नो, यू डोंट वांट टू वर्क विद मी, दैट्स अ प्रॉब्लम. नहीं 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 सब है. कौन हमारे पास अच्छी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में यार, एक खाली एक दो ही तो नाम है. वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू. मेरी माँ कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे लगो जब अगर आओगे. हम किसी शो में गए थे एंड शी सॉ दैट शो एंड शी सेड के यू गाइस लुक गुड टुगेदर.
तो बस फिर आंटी की आई विल बी योर दौलत बेस्ट बस डन लेट्स प्लान समथिंग इंशाल्लाह शुक्राना नहीं, मैं खत्म वेरी करूंगा नाइस इसके बाद डिस्कशन इंशाल्लाह वी आर कमिंग टुगेदर एंड आई मतलब वांट टू वर्क विद यू मैन आई वांट टू वर्क विद यू लाइकवाइज लाइकवाइज गुड टू नॉट वर्क विद यू सोबा लेट्स डू समथिंग वेरी रोमांटिक काफी अच्छे से ना मैं इशू बेस्ड और इस तरह के ड्रामास करके आ रही हूँ तो कोई लव स्टोरी करते हैं बस हाँ ठीक है। और वैसे तो भी यहाँ बस जितने इस भी लव की ना जिंदगी लोग में हैं हाँ अच्छी सी अगर किसी के पास स्टोरी लाइन है तो हम तो जरूर शेयर करें, बिकॉज आई थिंक हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेश ब्लड इन आर दिस दिस एरिया एक्टिंग राइटिंग के हाँ मामले में। सो आफ्टर ऑल दिस डिप्रेशन तो आई फील वी डिजर्व अ नाइस एंड वेरी लाइट हार्टेड लव स्टोरी क्योंकि लोग अभी समझ रहे थे कि शायद सबा सिर्फ इशू बेस्ड ही करती है लेटली जो दो नो सीरियल नॉट चले, एट ऑल मैं तो अब रोमांस से भरी हुई हूँ मैं प्यार से भरी हुई हूँ मैं इसको बहुत अच्छा जोड़ने के लिए इमरान अब्बास के साथ क्या व्हाट हाँ हाँ कह रहा पक्का हूँ डन डन इस इमेज को तोड़ने के लिए जितना लव स्टोरी करनी है वो भी मेरे साथ। ठीक है और बहुत अच्छी होगी आई हैव बहुत अ अच्छी फीलिंग बहुत अच्छी होगी हाँ हाँ ओ सही हो एक एक तो पाकिस्तानी रामलीला हाँ राम बस ठीक है तो चलें वंडरफुल The way you said, Ram Leela. Okay. It's okay. That's fine. बिकॉज़ That's fine, Imran. I know. I आई love that. There's a long way to go. मैंने Yeah. आई Nah, स्पोक it's like टू no. या रामलीला वाज आल्सो वन ऑफ दोस फिल्म्स व्हिच ओके हैज अ हिस्ट्री Offered. Yeah, I know. कोई लेकिन बात. चलें कुछ बहुत अच्छा इतनी करना चाहिए. स्ट्रॉन्ग साथ जीना नहीं चाहिए सुबह नहीं, लाइफ में इतना अच्छा तो तो है करियर और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इमरान अल्लाह सबसे बेहतर है अच्छी जगह पे है अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं यार अल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए स्पेशल स्माइल मैं आपको आपका स्माइल प्यार जैसा प्यार तो नहीं डैडी जैसा प्यार तो नहीं दे सकती लेकिन बिग हग मिलेंगे तो जरूर इंशाल्लाह बैठ के बात करो करेंगे जल्दी से कोरोना से फ्री हो, कोरोना से के इस टाइम से फ्री हो एंड हाँ कम टू इस्लामाबाद एंड लेट्स गो इंशाल्लाह टू अ लॉन्ग ड्राइव। यस एंड ठीक विल है डू चिट चैट एंड ऑल अपना ख्याल रखना इमरान मेरा ख्याल रखना सवा लव यू ओके लव यू टू बाय टेक केयर बाय टेक केयर। बाय बाय